Dear members, today we will discuss next medicine sulfur. असी सल्फर का प्रयोग मानसिक लक्षणों आधार पर करते हैं, कभी भी कोई शारीरिक लक्षण नहीं लिया जब से डॉक्टर सैगल टेक्निक आई है, ना ही कभी म्याजम देखा है, फिर भी औसतन 100 के 100 में मानसिक लक्षणों के आधार पर ही दवा दी गई, तो 80% रिजल्ट अमूमन है कि 80 से भी ज़्यादा 90% तक भी कभी भी कोई फिजिकल कभी भी कोई म्याजमेटिक कंसेंट्रेशन नहीं की, ना ही जरूरत पड़ती है। सल्फर जो से पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं केस टेकिंग में क्रॉकस के साथ कंपैरिजन में, जो हम इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट लेते हैं सल्फर का, वो है एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस। इरिटेबिलिटी के नीचे भी है इरिटेबिलिटी रिमोर्स इजी एंड क्विक। आवाज ओनली सल्फर मे बी नाउ सम ऑथर हैव एडेड सम वन अदर मेडिसिन बट स्टिल आई रिमेंबर ओनली इरिटेबिलिटी रिमोर्स इजी एंड क्विक। खींच चढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है, साथ में क्विकली उसको रिमोर्स पछतावा होता है। तो हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली देखते हैं कि एंकर रिवर्क पे पहले हम पीपी पे जाते हैं और साथ में ही केस टेकिंग में उसको एंकर पे जाके पकड़ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करके, सेकंड मेडिसिन कौन सी हो सकती है। तो गुस्सा बहुत आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तब जो मन में होता है बोल देती हूँ, कह देती हूँ, पर फिर साथ ही साथ डॉक्टर साहब पछतावा होता है, बच्चों को क्यों बोलना था, क्यों कहना था। हम पूछते हैं कितने टाइम में पछतावा आता है, 5, 10, 15 मिनट में या 1 घंटे आधे घंटे बाद। तो सल्फर वाला कहता है 5, 10, 15 मिनट में, हार्डली 20 मिनट में पछतावा आ जाता है, साथ साथ ही पछतावा आ जाता है, उसी समय पछतावा आ जाता है। तो हम लेते हैं एंगर अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस क्विक। फिर आ जाता है उसके रूब्रिक है जो कि उसको म्यूजिक हंसना खेलना गीत गाने सुनना अच्छा नहीं लगता, घबराहट भी होती है, गुस्सा भी आता है। हाँ, रिलीजियस है जो वो धार्मिक बहुत उसे पसंद है। इतनी रूब्रिक आ जाते हैं जो हम लेते हैं, अम्यूजमेंट अवर्जन टू है, म्यूजिक एग्रेवेशन, उसके नीचे एक सब रूब्रिक है पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, घबराहट होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। रिलीजियस बहुत है, रिलीजियस अफेक्शन जो है, एंग्जाइटी सेलिवेशन है, स्क्रूपुलस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस टू, बहुत पाबंद है, पक्का है कि इन्ने बजे पाठ करना है, इन्ने बजे मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है। रिलीजियस के नीचे हम देखते हैं रिलीजियस स्पेकुलेशन, उसके नीचे डवेल जाउन आस्किंग हु मेड गॉड ओनली सल्फर लेटर ऑन मे हैव एडेड सम अदर मेडिसिन। तो रिलीजियस वाला हम पूछ लेते हैं कि आपको हंसना गाना म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, क्या गुरबाणी बाणी गुरुद्वारा मंदिर पाठ वो अच्छा लगता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो बहुत अच्छा लगता है, वो सुबह शाम सुनते हैं पाठ करते हैं, तो ये सल्फर में आता है। हम मरीज से शुरू करते हैं केस टेकिंग, सवाल करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता हूँ, ऐसे नहीं कि बैठे रहो लेके पेशेंट को कि वो बोलेगा, उसको पता ही नहीं कि मैंने माइंड सिम्टम बोल रहे हैं देने हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि प्रैक्टिस में
जैसे मैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में तो 150-200 भी हो जाते सी, आप भी 70-80 कभी 100 भी हो सकते हैं। तो गुस्सा पूछते हैं सवाल, गुस्सा आता है आपको या नहीं बताओ। यदि गुस्सा आ जाता है तो क्या गुस्से में आकर बोल देते हूँ, कह देते हूँ? जवाब आता है पेशेंट है, जी हाँ गुस्सा आ जाता है फिर बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है। फिर सवाल हम नेक्स्ट उससे करते हैं, क्या संगीत सुनना, टीवी देखना, गाने सुनना ये पसंद है या नहीं है? ऊपर रिपेंटेंस तो पहले क्लियर हो गया उसको। जवाब आता है मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता गाने सुनना या टीवी देखना, दिल घबराता है मेरा, घबराहट हो जाती है मुझे इन सब चीज़ों से, मैं तो बंद ही करवा देती हूँ। तो उसको अच्छा नहीं लगता, पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। फिर हम सवाल करते हैं क्या धार्मिक कैसेटें सुनना पसंद है, टीवी या रेडियो पर जहाँ धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण होते हैं या पाठ करते हैं आप? जवाब हाँ वो तो बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर साहब, देखती हूँ, सुनती हूँ, पाठ करती हूँ। तो जी हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चनिंग करके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कितना ही समय लग जाएगा, फिर भी पेशेंट को पता नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन ये आंसर देने हैं, इनको ज़रूरत है। तो ऐसे में विद इन 2-3-4 मिनट्स केस टेकिंग हो जाती है और क्रॉकस के साथ डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। दूसरा जो पार्ट हम सल्फर का प्रैक्टिकली लेते हैं वो है कि परसीवरेंस वाला, जो डॉक्टर संजय सहगल ने हमें कराया था उसका, कि उसमें जब पेशेंट कंटिन्यूसली हमारे पास मेडिसिन ले रहा है, ठीक हो नहीं रहा, तो बात आई कि क्या करें इसका। तो डॉक्टर संजय सहगल सर ने परसीवरेंस करवाया था और उसकी डिटेल कराई थी, उसकी ग्रुपिंग करवाई थी कि परसीवरेंस के साथ और रूब्रिक, जे रूब्रिक जोड़ते हैं तो जे मेडिसिन, जे रूब्रिक जोड़ते हैं जे मेडिसिन, ऐसे करवाया था। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें से हम